वेलकम बैक टू माय चैनल एस पी सनाया की रसोई में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं चिकन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है जावित्री, ये दालचीनी लिया है, ये हमने 6-7 फूल लौंग लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ले लेंगे, और 1 चम्मच हम यहाँ पर जीरा लेंगे, और 1 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे मिर्च, और स्टार फूल ले लेंगे। सभी मसालों के हम सील बट्टे पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से सील बट्टे पे पीस लेना है। सील बट्टे का जो आप पीसेंगे उसका स्वाद अलग ही आता है। तो चाहे आप इसको रोस्ट करके थोड़ा से मिक्सर में पीस सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से आपके घर में अवेलेबल हो सील बट्टा उस पर पीस लीजिए। थोड़ी मेहनत की काम है पर ये अच्छा बन के आएगा इससे चिकन। तो यहाँ पर इस तरह से मसाले को हम सारा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक लिया है और लहसुन है, ये कुछ प्याज की पत्तियाँ हैं उसके डंठल, और यहाँ पर ये प्याज है। सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर पीस लिया है अच्छी तरीके से। अब हम मसाले में मिर्चा डालेंगे, जो कि 2 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे मिर्चा पाउडर, और थोड़ा से यहाँ पर हमने तेज़पत्ता लिया है, और यहाँ पर हम लेंगे 1 पैकेट मीट मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो चलिए ये गोश्त को अब यहाँ पर हम मैरिनेट करते हैं जो चिकन लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, फिर थोड़ा सा हम नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड करेंगे, ये देख रहे हैं मिर्चा पाउडर हम डाल दिए हैं। मिर्चा पाउडर के बाद यहाँ पर हम लेमन थोड़ा से ऐड करेंगे, 1/2 लेमन लिया है, और यहाँ पर हल्दी का भी थोड़ा सा यूज करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मेंशन कर दिया है नाम को, तो यहाँ थोड़ा सा दही और हरी मिर्च, सभी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। धनिया पत्ती डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ये लास्ट में कश्मीरी मिर्च और कलर डालेंगे। कलर ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं या फिर आप रहने दीजिए। इन सभी को डालकर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दीजिए। इसको मैरिनेट होने के लिए आप कम से कम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, नहीं तो आप वैसे बाहर ही रख दीजिए। दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इससे ये होगा कि जो ये चिकन है इसके रेसे रेसे में ये भिन जाएगा मसाले। तो यहाँ पर हम रेस्ट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख दिए हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर तेल में हम फ्राई करेंगे, तेल में हमें कुछ डालना नहीं है। तो हमने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम तेल लिया था, तो इसको फ्राई कर लेंगे इसमें। तो जब तक यहाँ पर हम फ्राई करते हैं, तो दूसरी साइड में हम एक पतीला रख लेंगे, उसमें हम मसाला पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फ्राई हो रहा है, इतना ये पानी छोड़ दिया है। इस पानी को हमको पूरा जला लेना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये पानी सूख जाएगा तब इसको आँच को हमें बंद करना है। तो यहाँ पर ये पक रहा है, जब तक तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला है, केवड़ा वाटर ऑप्शनल है, ये डालने पर ये शादियों जैसा फ्लेवर दे देता है चिकन में। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। ऊपर से चाहे तो आप हरी इलायची को पीस कर डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हमने दूसरी जगह पे 100 ग्राम तेल लिया है, वहाँ पर हमने 50 ग्राम तेल डाला था, यहाँ पर 100 ग्राम। इसमें हम प्याज को लगभग 1 पाव प्याज लिया है, जो कि काट के रख दिए हैं पहले से स्लाइस में। अब इन सभी को भून लेंगे। जब तक ये हमारा प्याज पक रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो जो मसाले हमने पीसा हुआ रखा है सील बट्टे पे, उन सभी को डाल देंगे। अगर आपने मिक्सर में पीसा है तो भी आप उसको इसी तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला जब तक पक रहा है तो इसको चला लेते हैं अच्छे तरीके से। आप चलाते रहिए और बीच में नमक डाल दीजिए। तो यहाँ पर नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेट करते हुए चिकन में भी नमक डाला है, तो यहाँ पर उतनी नमक की मात्रा नहीं रखना है, आप हल्का ही नमक डालिएगा। यहाँ पर ये मसाला जब तक पक रहा है तब तक इसको हम थोड़ी देर आँच को स्लो कर देते हैं। बार बार इसको आपको चलाना है ताकि ये तले में पकड़े ना।
अगर तले में पकड़ लेगा तो इसका स्वाद बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मसाले में तेल छोड़ दिया है, तो हम चिकन को अब डाल देते हैं। तो इस तरह से हम जितना चिकन है सारे चिकन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया है। तो ये गांव के स्टाइल में चिकन बना है जो कि सिलबट्टे से पीसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको पका लिया है अच्छे तरीके से, तो ये लगभग पक के तैयार हो गया है। अब इसकी आँच को हम बंद कर देंगे। इसमें हमने सालन नहीं लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पर सालन भी लगा सकते हैं। तो इसको हम इसकी ग्रेवी गाढ़ी रखी है तो हमें सालन यहाँ नहीं लगाना था। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर तैयार हो गया है और इसकी सभी पीसेस लगभग पक के तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसको सर्व करते हैं अब हम। तो इस तरह से हम एक प्लेट में इसको सर्व करेंगे। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हमने सर्व कर दिया है, ये गर्मा गर्म चिकन है। आप इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, ज़रूर आप सभी को पसंद आएगा। तो आप सभी को मिलेंगे हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वीडियो कम कर दिया है शूट करना, आप सभी लोग लाइक ही नहीं करते हैं तो हमने शूट भी करना बंद कर दिया है। तो इस तरह से देखिए ये लेग पीस है जो कि पक चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।